इंसान नाचते हैं। जानवर भी नाचते हैं, लेकिन एक पौधा भी नाचता है। जी हाँ, ये सच है, हकीकत है। आंखों से देखिए पत्तियों को थिरकते, गाने की धुन पर एक पौधे का डांस, म्यूजिक पर थिरकते पौधे की हकीकत। डेस्मोडियम जिरोस यानी डांसिंग ट्री। आज तक आपने इंसानों को म्यूजिक पर डांस करते हुए देखा होगा। कई तरह के मौकों पर आपने पालतू जानवरों को भी गानों और म्यूजिक पर अपने अंदाज में डांस करते जरूर देखा होगा। लेकिन आज हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं, उसे देखकर यकीनन आप हैरान रह जाएंगे। अगर हम आपसे पूछें कि क्या एक पौधा भी कभी नाच सकता है, तो यकीनन आपका जवाब ना में होगा। आपको कुछ देर के लिए पूछे गए सवाल पर भी हैरानी हो सकती है, लेकिन जब आप अपनी आंखों से इन दृश्यों को देखेंगे, तो कुछ देर के लिए आप सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर ये कैसे संभव है। जी हाँ, ये पौधा म्यूजिक पर डांस करता है। इसकी पत्तियां गाने की धुन पर थिरकती हैं। हल्द्वानी वन अनुसंधान की नर्सरी में एक खास प्रजाति के पौधे को विकसित किया जा रहा है, जो गाना शुरू होते ही नाचने लगता है। डेस्मोडियम जिरोस, जिसे हिंदी में डांसिंग प्लांट के नाम से जाना जाता है, ये खास प्रजाति का पौधा हल्द्वानी वन अनुसंधान नर्सरी में पहुंच चुका है, जिस पर अनेक शोध किए जा रहे हैं। वैज्ञानिकों का दावा है कि ये पौधा म्यूजिक शुरू होते ही थिरकने लगता है। ये मिडिल क्षेत्र का है, ये पौधा मिडिल क्षेत्र का है। हालांकि इसका जो नेटिव क्षेत्र है वो कुमाऊं में भी देखा गया है, लेकिन इसके वृक्ष बहुत कम पाए गए हैं। कहीं मेरे खासतौर से मेरे नज़र में, मैंने इतने जंगल छाने, मेरे नज़र में भी नहीं आया है। तो इसको एक हमारे रिटायर्ड चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट थे मिस्टर एस के सिंह साहब, वो इसको लखनऊ से लाए, तो उन्होंने ये मुझे दिया, तो मैंने इसको यहाँ पर लगा के आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम इसका मेरा है। आगे इस पर फूल आएगा, इसके मैं पौधे तैयार करूँगा, तैयार करके हर जगह इसके पौधे लगाए जाएंगे। विशेषज्ञों के मुताबिक जब इस पौधे के पास तेज संगीत बजाया जाता है, तो उसकी पत्तियां थिरकने लगती हैं। इसी वजह से इसे डांसिंग प्लांट कहा जाता है। विज्ञान की भाषा में इस पौधे को डेस्मोडियम कहा जाता है। इस पौधे का एक और नाम टेलीग्राफ प्लांट भी है। ये पौधा मैदानी इलाकों में ज्यादा पाया जाता है, हालांकि उत्तराखंड में इसकी अन्य प्रजातियों की तलाश भी की जा रही है। ये पौधा मैदान से करीब 1000 मीटर की ऊंचाई तक उग सकता है। अभी ये पौधा 15 से 20 दिन तक का है। जैसे ही इस पौधे की जड़ें और मजबूत हो जाएंगी, ये पौधा म्यूजिक पर और ज्यादा डांस करने लगेगा। फिलहाल अभी इस प्रजाति का कुमाऊं क्षेत्र में ट्रायल करने का फैसला किया गया है, जिसके लिए इसे नर्सरी में तैयार कर अगले कुछ सालों में जंगल में लगाने की योजना है।
हम बहुत सारी प्रजातियां इस समय जो जनता के काम आ सके, डायरेक्ट रूप से यूज जो आदमी कर सकता है, उसके लिए हम बहुत यहाँ पर काम कर रहे हैं। बहुत सारी लुप्त प्रजातियां हैं जो किसी कारण बस खत्म होने जा रही हैं, उनको हम यहाँ पर दोबारा ला के तैयार कर रहे हैं। वृक्ष प्रजातियाँ हों, झाड़ी प्रजातियाँ हों या औषधि प्रजातियाँ हों, जिनका पहाड़ से पहाड़ में जो लगभग खत्म हो रही है, उनको हम यहाँ पर लाके पुनः जीवित कर रहे हैं। तो ये तो हुई इस पौधे की सबसे बड़ी खासियत, लेकिन इस प्लांट के बारे में अभी और भी बहुत कुछ है जिसे आप और हम नहीं जानते। ये पौधा अपने अनेक औषधीय गुणों के चलते भी चर्चा में है, जिसका उपयोग आने वाले दिनों में दवा बनाने के लिए किया जा सकेगा। हल्द्वानी स्थित वन अनुसंधान ने इस डांसिंग प्लांट की नर्सरी तैयार करने की योजना बनाई है। विशेषज्ञों के मुताबिक ये पौधा औषधीय गुणों से भरपूर है, जिसका उपयोग आने वाले दिनों में दवाओं को बनाने में किया जाएगा, जो कई तरह की बीमारियों को ठीक करने में मददगार साबित होगा। डेस्मोडियम जिरोस नाम के इस पौधे से महिलाओं की पेट संबंधी अनेक बीमारियों को ठीक करने का भी दावा किया जा रहा है। महिलाओं में जो गायनी की जो समस्या होती है, उस गायनी की समस्या में ये बहुत निजात करता है, इसकी रूह का जो दवा बनती है। और हम जल्दी कोशिश करेंगे कि इसको जल्दी बढ़ाया जाए और मैक्सिमम बढ़ा के इसका पौधे तैयार किया जाए और हर जगह इसके पौधे लगाए जाएं, ताकि ये आम जनता के काम आ जाए, रोगों को निवारण करने का काम आ सके। यकीनन ये पौधा अनोखा है अपने डांसिंग ट्री की खासियत और औषधीय गुणों के चलते। जैसे जैसे इस पौधे पर शोध कार्य यानी रिसर्च आगे बढ़ेगी, कई दिलचस्प बातें सामने आएंगी। वहीं दूसरी तरफ इस पौधे से हल्द्वानी को देश और विदेश में एक नई पहचान मिलेगी। हल्द्वानी से विनोद कांडपाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7।